वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। आज इस वीडियो में आपको मैं ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। ये है हमारा वेडिंग मेकअप लुक। आपके घर में सिस्टर की ब्रदर की शादी है तो आप ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप ये वाला मेकअप लुक मैं आपको क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। तो गाइज उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो गाइज विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्ट। आप कर लेते हैं मेकअप को स्टार्ट। बट गाइज ऑलरेडी मैं स्किन केयर अपना कर चुकी हूं। मैंने किया है मामार्थ चारकोल फेस वॉश एंड गाइज उसके बाद मैंने मामार्थ उफटन फेस स्क्रब यूज किया था। देन गाइज मैंने चारकोल फेस मास्क यूज किया था। मेरे पास उफटन फेस मास्क नहीं था इसलिए मैंने चारकोल फेस मास्क यूज किया था। देन गाइज उसके बाद अब मैं यूज करने वाली हूँ प्लम्पिंग सीरम, ये भी मामार्थ का है। अब आपको मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ गाइज। तो ये है मामार्थ का प्लम्पिंग सीरम जिसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ और काफी सारी वीडियोज में मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, इसको आपने देखा भी होगा। देन गाइज अब हम यूज करने वाले मॉइस्चराइजर। बट गाइज अभी इसको थोड़ी देर रहने देते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मैं कौन सा अप्लाई करने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट गाइज थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ही हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। ओके गाइज अब हम अप्लाई करने वाले हैं ये मामार्थ मॉइस्चराइजर जेल है ये, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसको ही मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो गाइस की कैप में भी आप देख सकते हो काफी सारा प्रोडक्ट रह जाता है। ओके गाइस 10 मिनट्स हो चुके हैं, देन अप्लाई कर लेते हैं प्राइमर विद मॉइस्चराइजर। मैं यूज करने वाली हूँ सुगर कॉस्मेटिका इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर है ये। देन गाइज ये मैं मिक्सअप करूंगी, ये है स्विस ब्यूटी का प्राइमर, ये भी इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है। दोनों को मिक्सअप करूंगी देन अप्लाई करूंगी। तो पहले मैं इनको मिक्सअप कर लेती हूँ। थोड़ा सा अमाउंट मैं लूंगी स्विस ब्यूटी प्राइमर का, इतना अमाउंट काफी है। थोड़ा सा अमाउंट मैं लूंगी सुगर कॉस्मेटिक मॉइस्चराइजर का। ओके गाइज 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम यूज कर लेते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूं मेबलिन फिट मी का, ये शेड नंबर 230 है फाउंडेशन। एंड गाइज एक और फाउंडेशन मैं यूज करने वाली हूँ, दोनों का मिक्सअप करने वाली हूँ। ये है स्विस ब्यूटी का फेयरनेस फ्लेवलेस फेयरनेस फाउंडेशन जिसको आप डेली बेस पे भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज मैं दोनों का मिक्सअप करूंगी और अप्लाई करूंगी, बिकॉज जो ये शेड है 230 ये थोड़ा डार्क शेड मुझे लगता है अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लाइट इफेक्ट देने के लिए ये मैं मिक्सअप करूंगी। तो दोनों का मिक्सअप कर लेते हैं देन अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा अमाउंट मैं स्विस ब्यूटी का लेने वाली हूं, इतना इनफ है। थोड़ा सा मैंने लिया है मेबलिन फिट मी का। दोनों को मैं फिंगर टिप्स की हेल्प से मिक्सअप करूंगी।
गाइज फाउंडेशन मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। तो गाइज मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप गाला ऑफ लंदन ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो, इसने इजीली मेरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर दिया है। ब्रश की हेल्प अगर आप लेते हो, ब्रश से ब्लेंड करते हो तो काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम लग जाता है, बट ब्यूटी ब्लेंडर से इजीली आपका फाउंडेशन वगैरह ब्लेंड हो जाता है। तो आप गाला ऑफ लंदन का ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो। देन गाइज अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपनी आईब्रो फिल करने के लिए ये स्विस ब्यूटी आईब्रो एंड जेल आईलाइनर 2-in-1 इसका वर्क है गाइज। 24 आवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। तो गाइज इसका वर्क भी देख लेते हैं, इसको भी मैं आईब्रो फिल करने के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। गाइज इसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा लग्जरी टाइप की पैकेजिंग है और ये इसकी पैकेजिंग मुझे काफी काफी ज्यादा अच्छी लगी। अब देख लेते हैं इसका वर्क भी कैसा है। इसके लिए ये छोटी सी एक जार दिया हुआ है जिसमें आपको 2-in-1 मिल जाता है, एक आपको पाउडर टाइप मिल जाता है एंड एक आपको जेल टाइप मिल जाता है। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसके साथ ये एक ब्रश मिल जाता है, यहाँ से आप आईब्रो अपनी आईलाइनर यूज कर सकते हो, देन यहाँ से आप आईब्रो फिल कर सकते हो। तो गाइज ये है आपका पाउडर टाइप, जिस तरह की आपकी आई शेडो वगैरह होती है उस तरह का, और इस साइड से आपको मिल जाता है ये जेल, ये आपकी आप इससे आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज मैं अपनी आईब्रो फिल कर लेती हूँ। गाइज आईब्रो फिल हो चुकी हैं, देन मैं अप्लाई करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर। और गाइज ये भी मेरा फेवरेट है, मैं आपको काफी सारी वीडियोस में इसका रिव्यू दे चुकी हूँ। अब मैं अप्लाई कर लेती हूँ कंसीलर आईब्रो को भी नीट एंड क्लीन करेंगे। गाइज हमारी हो चुकी है नीट एंड क्लीन आईब्रो। एंड गाइज अब हम यूज करने वाले हैं स्टेकर्की का लूज पाउडर जिसका शेड नंबर है 07, आपको फ्रंट पर ही दिखाई दे रहा है। तो गाइज इसका जो शेड नंबर 07 है ये कुछ पिंकिश टाइप का है, इसको ही मैं यूज करने वाली हूँ और इसको शायद मैंने आपके साथ कभी शेयर नहीं किया है, बट गाइज काफी टाइम पहले मैंने इसको परचेज किया था और यहाँ पर भी काफी सारा लूज पाउडर आ चुका है। तो गाइज इसी से मैं अप्लाई करूंगी। ये है मेरा वही ब्यूटी ब्लेंडर गाला का, बट गाइज ये गीला है थोड़ा सा, इसको आई थिंक इसको रहने देते हैं, ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि सारा लूज पाउडर इस ब्लेंडर में लग जाएगा अगर ब्लेंडर गीला है। तो गाइज इसके लिए मैं ब्रश यूज कर लेती हूँ। तो गाइज फुल फेस पर अप्लाई करने के लिए लूज पाउडर को मैं ले रही हूँ ये पाउडर ब्रश, और इसी से मैं अपने फुल फेस के बेस को सेट करूंगी। तो गाइज आपका बेस सेट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज गाइज अगर आपका बेस अच्छे से सेट नहीं होगा तो ये जल्दी से क्रीज लाइंस आपके फेस पर दिखने लगेंगी। तो इसलिए लूज पाउडर से पहले अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लीजिए। ओके गाइज लूज पाउडर मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, बेस को अपना सेट कर चुकी हूँ, बट गाइज अभी एक्स्ट्रा लूज पाउडर को हम बाद में रिमूव करेंगे, पहले कर लेते कंटूरिंग और आई शेडो। कंटूरिंग के लिए मैं स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट में से ये ब्राउन कलर ले रही हूँ कंटूरिंग के लिए। आप अगर आपके पास कोई कंटूर वगैरह नहीं है, कंटूर स्टिक वगैरह, तो आप इसी को अप्लाई कर सकते हैं, इसी से अपने फेस को कंटूर कर सकते हैं। तो गाइज एक्स्ट्रा पाउडर को हम डस्ट कर लेंगे।
अगर गाइज आप कंटूरिंग करते हैं, आपको कंटूरिंग अच्छे से नहीं आती है, कभी भी आपको कंटूरिंग अगर आप फोरहेड की कर रहे हो तो आपको ये अंदर की तरफ इसको ब्लेंड करना है, आपको बाहर वाली साइड में इसको ब्लेंड नहीं करना है, आपको अंदर हेयर की तरफ अपने इस कंटूर को ब्लेंड करना अच्छे से। यहाँ की कंटूरिंग जब भी आप करते हो तो इसको आपको अपने नेक एरिया की तरफ ब्लेंड करना है, इससे आपकी जो एक्स्ट्रा चिन है वो हाइड हो जाती है। आपने देखा होगा यहाँ पर काफी फेस लटका हुआ है, मेरा भी हल्का फुल्का आपको दिख रहा होगा, बट गाइज यहाँ से जब आपकी अच्छे से कंटूरिंग हो जाती है तो ये आपकी ज्यादा चिन, डबल चिन जो होती है वो दिखाई नहीं देती है, इसलिए यहाँ की कंटूरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका काफी ज्यादा फैटी फेस होता है। जब भी गाइज आप अपने नोज एरिया की कंटूरिंग करते हैं तो यहाँ आपको ऐसे ही इसको ब्लेंड करना है, इसको आपको ऊपर की तरफ लेकर नहीं जाना है, इसको यहीं इसी जगह पर आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। और गाइज ये जो ब्रश है ये रियल टेक्निक यू का है और जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, और इसको मैंने कुछ ही टाइम पहले परचेज किया था, बट गाइज मैंने इसको आपके साथ शेयर नहीं किया है अच्छे से। इसके साथ 4 आई थिंक 5 ब्रश आए थे और ये ब्रश सेट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और काफी टाइम पहले मैं आपके साथ रियल टेक्निक के ब्रश शेयर भी कर चुकी हूं। ब्रिज एरिया है जो, इसको हमेशा ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ कीजिए, इससे आपकी नोज काफी ज्यादा खड़ी नजर आएगी। ओके गाइस, कंटूरिंग हम कर चुके हैं, देन अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट अपनी आई शेडो को क्रिएट करने के लिए। गाइस इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, कल ही मैं ये मेरे पास ऑर्डर होके आई थी और इसके कुछ कलर मैंने अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अपनी आई शेडो पर अप्लाई करके देखे थे। गाइज माइंड ब्लोइंग ऑसम गाइज, इजिली ब्लेंड हो जाते हैं और काफी ज्यादा वेलवेट टच है, आपकी फिंगर टिप्स की हेल्प से भी ये अप्लाई हो जाते हैं। तो गाइज आप इसको ले सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज अब मैं यूज करने वाली हूं ये वाला कलर और ये काफी ज्यादा लाइट है, तो पहले हम अपना क्रीज लाइन पर लाइट कलर ही यूज करेंगे। गाइज काफी ज्यादा लाइट शेड है, अब हम थोड़ा सा डार्क शेड और ले लेते हैं जो हम अपनी क्रीज लाइन से थोड़ा सा नीचे उसको अप्लाई करेंगे। गाइज ये वाला शेड मैं ले रही हूं, ये वाला, गाइज अब मैं यूज करने वाली हूं सिमरी शेड और सिमरी शेड के लिए मैं ले रही हूं ये वाला शेड और इसको मैं फिंगर टिप्स की हेल्प से ही अप्लाई करूंगी। ओके गाइज डन विद माई आईज, बट गाइज मैंने एक और शेड अप्लाई किया था ये वाला शेड, बट गाइज ये वाला जो शेड था इससे इतना अच्छा लुक नहीं आया, तो ये वाला जब मैंने शेड अप्लाई किया इससे काफी अच्छा लुक आने लगा। तो गाइज आप मेरी आईज देख सकते हो। अभी गाइज काजल अप्लाई कर लेते हैं, आईलाइनर एंड मस्कारा, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना ब्लश वगैरह, देख लेते हैं, पहले हम अप्लाई कर लेते हैं गाइज फिर देखते हैं। ओके गाइज डन विद माई आईज, आईज का मेकअप हमारा फुल कंप्लीट हो चुका है, देन अब मैं यूज करने वाली हूँ नेक्स्ट मेरा ब्लश होने वाला है। ब्लश के लिए मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट और इसी से मैं अपने फेस को हाईलाइट भी करूंगी एंड ब्लश। और ब्लश मैं कौन सा यूज करने वाली हूँ, पहले मैं ब्लश का ब्रश ले लेती हूँ और वही मैं इल्फ का ब्रश लेने वाली हूँ, और ये भी मैंने नायका से परचेज किया था और आपके साथ मैं एक वीडियो में इसको शेयर भी कर चुकी हूँ।
और उसका लिंक भी, इसका लिंक भी मैं उस वीडियो में हल्दी मेकअप लुक में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ब्लश मैं यूज करने वाली हूँ, ये पिंक पिंक कलर का मैं ब्लश यूज करने वाली हूँ, बिकॉज जो मेरे लहंगे का दुपट्टा है वो पिंक है और पिंक ही मैं यूज करने वाली हूँ। अगर गाइज आप बिगिनर्स हो और ब्लश ब्लेंड कर रहे हो, ऐसे राउंड राउंड घुमा के अगर ब्लश को ब्लेंड करने लगोगे तो गाइज आपका इधर उधर फैल जाएगा, आपका आईज एरिया में भी फैल जाएगा और इधर भी आपका फैल जाएगा। आपकी अच्छी पोजीशन यही है कि आप ऐसे धीरे धीरे इसको ब्लेंड करो और अच्छे से ये ब्लेंड भी हो जाएगा और इजीली ब्लेंड हो जाएगा गाइज। अगर आप ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमाओगे तो ये तो एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो गाइज मैं ऐसे भी इसको ब्लेंड कर लेती हूँ और ऐसे भी इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। आप जिस भी तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप ब्लश को ब्लेंड कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको ऐसे ही इसको ब्लश करना है, नहीं, आप ऐसे भी इसको ब्लेंड कर सकते हो। तो मेरा ब्लश ब्लेंड हो चुका है, देन मैं अदर साइड पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। ओके गाइज, ब्लश मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, देन अब मैं यूज करने वाली हूँ हाइलाइटर। और हाइलाइटर के लिए यही पैलेट मैं यूज करने वाली हूँ और इसमें शेड ले रही हूँ गोल्डन। ये गोल्डन वाला हाइलाइटर मैं यूज करने वाली हूँ। तो गाइज पहले हमने अपने चीक बोन्स पर अप्लाई कर लेते हैं। नोज पर हाईलाइट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ब्रिज एरिया को एंड आपकी अपनी नोज की शुरुआत में जो हाईलाइट पॉइंट है उसको आपको हाईलाइट करना है। ये फोर हेड एंड नोज एरिया है जो, इसको आपको हाईलाइट करना है। बीच वाले एरिया को आपको अवॉइड कर देना है बिकॉज हमें ये खड़ी हुई दिखानी है, तो खड़ी हुई दिखाई देने के लिए आपको ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट पकड़ना है और इसके अलावा बीच वाले को आपको अवॉइड कर देना है। बिकॉज हमारी जो, अगर हमारा फेस हाईलाइट होगा तो सबसे पहले हमारी नोज का ये एरिया दिखाई देगा, तो आपकी नोज हमेशा यहीं से खड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए आपको ये वाला पॉइंट जरूर करना है। एंड गाइस, नोज का ब्रिज, अपर लिप्स और चिन एरिया, फोरहेड को आपको सेंटर में नहीं करना है, आपको यहाँ साइड से हाईलाइट करना है और सेंटर को आपको अवॉइड करना है। सेंटर वाला मैं अवॉइड कर देती हूँ और साइड से मैंने हाईलाइट कर लिया है। और गाइज हाइलाइटर मेरी, हाइलाइटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ये वाला पॉइंट भी आपको जरूर हाईलाइट करना है यहां से, बिकॉज आपकी साइड्स में भी जब लाइट पड़ेगी तो यहां से भी हाईलाइट होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज फेस मेरा हाईलाइट हो चुका है और मेरा मेकअप हो चुका है लगभग कंप्लीट। अब मैं यूज करने वाली हूँ लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैं कौन सी लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ, ये है गाइज लैक्मे की पिंक कलर की लिपस्टिक है। इसका शेड नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ, 23 पिंक प्रॉम शेड है 23 नंबर। अब इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ लिप्स पर। गाइज मेकअप हमारा डन हो चुका है, अब मैं अपने मेकअप को सेट कर लेती हूँ। ये है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, इसी से मैं अपने मेकअप को सेट कर लेती हूँ। ओके गाइज, अब मुझे ज्वेलरी वियर करनी है। एंड गाइज हेयर स्टाइल आप कोई भी कर सकते हो, मैं इसी हेयर स्टाइल के साथ अपना मेकअप लुक कंप्लीट करूंगी, बिकॉज गाइज वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं हेयर स्टाइल करने बैठ गई। तो गाइज वीडियो को मैं एंड करने वाली हूँ, पहले मैं ज्वेलरी वियर कर लेती हूँ, दुपट्टा कैरी कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आफ्टर सम टाइम। तो गाइज ले लेती हूँ थोड़ा सा ब्रेक, लेट्स गो। गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, गाइज मुझे बहुत प्यारा लग रहा है अपना लुक, मैं बता नहीं सकती कि कितना प्यारा लुक निकल के आया, गाइज माइंड ब्लोइंग है। मैंने इस लुक को क्रिएट करने के लिए अपना 100% दिया था गाइज, और मुझे 100% के अकॉर्डिंग ही अपना रिजल्ट मिला है। और आप भी अपना लुक इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, अगर आपके घर में वेडिंग है
भाई की, बहन की, जिसकी भी वेडिंग है उसमें आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हो। और गाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा फाइनल लुक कैसा लगा। और मैंने दुपट्टे को अच्छे से पिनअप नहीं किया है, बट अगर आपके घर में वेडिंग है तो दुपट्टे को अच्छे से पिनअप जरूर कर लेना गाइज। तो गाइज वीडियो को करूंगी यही एंड। और मैंने हल्की फुल्की बैंगल्स भी वियर की हैं, आप चाहो तो और भी ज्यादा वियर कर सकते हो, बट गाइज मुझे ये लुक आपको बस क्रिएट करके दिखाना था। तो गाइज वीडियो को करती हूँ यही एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेकर हाजिर होंगी। गाइज जरूर बताना है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके। और गाइज मुझे बहुत प्यारा लग रहा है अपना लुक, मैं बता नहीं सकती गाइज कितना प्यारा लग रहा है। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय एवरीवन।